सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज का पहला T20 मैच खेला जाएगा 5 जनवरी 2020 संडे को। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पहले T20 मैच के लिए दोनों ही टीमों की सटीक प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी खेलेंगे और वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं श्रीलंका के पहले T20 मैच में, जो कि पहला T20 मैच होने वाला है, काफी टक्कर, काफी रोमांचक का मुकाबला। और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं इस मैच की मैच प्रीव्यू के बारे में। तो गाइस, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैंस, क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दोस्तों, अगर हम बात करें श्रीलंका टूर ऑफ इंडिया 2020, जो कि श्रीलंका के भारत दौरे पर 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए इंडिया और श्रीलंका दोनों टीमों का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। श्रीलंका टीम के कप्तान बनाया गया लसित मलिंगा को, जबकि टीम में जो कि एंजेलो मैथ्यूज की काफी लंबे समय बाद वापसी हुई है। अगर बात की जाए यहां पर टीम इंडिया की, तो भारतीय टीम से भी कई सारे चेंजेस की गई हैं, जहां पर रोहित शर्मा को आराम दिया गया है, उनके साथ मोहम्मद शमी को भी टीम से आराम दिया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। तो कई सारी चेंजेस की गई हैं। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो उससे पहले आपको बता दूं कि इंडिया वर्सेज श्रीलंका के बीच पहला T20 मैच खेला जाएगा 5 जनवरी 2020 संडे को गुवाहाटी के बरासप्रा क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि यह मैच शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 7 PM से। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर किया है फैन फाइट फैंटासी क्रिकेट ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है। आप सभी लोग बड़े ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं इस ऐप में। इस ऐप में आपके जीतने के चांसेस है 20 गुना ज्यादा किसी और वेबसाइट या फिर ऐप के मुकाबले में। इस ऐप में आपको पहले डिपॉजिट में मिलेगा 100 रुपए एक्स्ट्रा कैश। इस ऐप की खास बात यह है कि मैच स्टार्ट होने से पहले आप कभी भी किसी भी टाइम अपनी टीम चेंज या फिर एडिट कर सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप यहां से डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑलरेडी 30 रुपए का बोनस और भी मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर दोनों ही टीमों की सटीक प्लेइंग 11 के बारे में, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। तो पहले T20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से रहने वाली है, जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे शिखर धवन, नंबर 2 पर होंगे केएल राहुल, जो कि ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी, नंबर 3 पर होंगे भारतीय कप्तान विराट कोहली, नंबर 4 पर होंगे श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, नंबर 5 पर होंगे ऋषभ पंत टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बैट्समैन। अगर बात की जाए नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे शिवम दुबे, जबकि नंबर 7 पर होंगे रविंद्र जडेजा, वहीं इसके बाद नंबर 8 पर होंगे वाशिंगटन सुंदर या फिर शार्दुल ठाकुर, जबकि नंबर 9 पर होंगे जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर होंगे नवदीप सैनी, वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे युजवेंद्र चहल टीम इंडिया के बेहतरीन स्पिनर। तो गाइस, ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले T20 मैच के लिए श्रीलंका के खिलाफ। अब अगर हम बात करें यहां पर श्रीलंका की प्लेइंग 11 के बारे में, तो एज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर नंबर 1 पर होंगे धनुष्का गुणतालिका, जबकि नंबर 2 पर होंगे निरोशन डिकवेला विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि दोनों बल्लेबाज करने वाले ओपनिंग के बल्लेबाजी, वहीं इसके बाद नंबर 3 पर होंगे कौशल परेरा, जबकि नंबर 4 पर होंगे बेहतरीन एक्सपीरियंस बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज, जबकि नंबर 5 पर होंगे बानुका राजपक्षा, नंबर 6 पर होंगे दसुन सांका, नंबर 7 पर होंगे इशरू वदाना, नंबर 8 पर होंगे वनिंदु हसरंगा, जबकि नंबर 9 पर होंगे लहरू कुमारा, नंबर 10 पर होंगे लक्षण सांदकन, जबकि नंबर 11 पर होंगे लसित मलिंगा, श्रीलंका टीम के कप्तान और बेहतरीन तेज गेंदबाज। तो गाइस, ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 पहले T20 मैच के लिए, जो कि यहां पर दोनों टीम काफी बैलेंस, काफी मजबूत दिखाई दे रही है। श्रीलंका के पास कई सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है, तो वहीं भारतीय टीम भी पहले से ही काफी मजबूत थी, लेकिन टीम में जो कि रोहित शर्मा को आराम दिया है, उसके बावजूद भी भारतीय टीम काफी ज्यादा बैलेंस, काफी मजबूत दिखाई दे रही है। अभी देखना काफी दिलचस्प होगा कि पहला T20 मैच कौन सी टीम जीतती है। वैसे यहां पर टीम इंडिया के रिकॉर्ड काफी शानदार है, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी दिख रहा है। दोस्तों, ये दोनों टीमों की संभावित यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 और लगभग 100% यही 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं।